सो है एवरीवन, दिस इज मी एंड यू आर वॉचिंग माय वर्ल्ड माय लाइफ। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट ही कहते हैं ना? हाँ वही कहते हैं। सो ये किस काम का है और ये है क्या और मतलब इसका यूज ही क्या है। सो बेसिकली मैं आप लोगों को एक सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एक एप्लीकेशन है, ओके। और ये यूज होती है आपका कहाँ पर, जो आपका पेन टेस्टिंग करते हैं उसमें यूज होती है। और ये एक एप्लीकेशन है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये पेन टेस्टिंग क्या है, तो जो जैसे एक वाइट हैट हैकर, जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो मैंने प्रीवियस बहुत दिनों पहले एक वीडियो बना दी थी, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, एथिकल हैकर, ब्लैक हैकर, सबका बना दिया था, तो आप उसमें से जाकर देख लीजिएगा। सो ये इनका बेसिकली यूज क्या होता है, तो वाइट हैट हैकर होते हैं वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं, आपको तो इतना मैंने बता चुका है। तो उस कंपनी का जैसे जो वो काम करते हैं, तो वो जो भी कंपनी उन्हें हायर करती है तो उनके वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, जैसे कि लूपहोल्स क्या है, मतलब उनकी वेबसाइट या उनका कोई भी चीज जो भी वर्क स्टेशन है, तो उसमें वो ढूंढेंगे कि भाई किधर से रास्ता है आने के लिए। एक एग्जांपल समझो, तो इसका रास्ता का मतलब होता है जैसे मेरा ये घर हो गया, पीछे वो इस साइड पड़ी हुई है ये, यहाँ पे या ये दरवाजा हो गया एंड ये खिड़की हो गया। तो मेरे घर में आने के लिए अगर कोई सोचेगा तो वो है ये दरवाजा, एंड अगर दरवाजे लॉक है तो वो भी सोचेगा खिड़की में से आ सकते हैं कि नहीं। तो यही दोनों आपको प्रोटेक्ट करने होते हैं वाइट हैट हैकरों को, चाहे किसी भी हैकर को। तो अगर आपको ये दरवाजा बंद है तो वो फिर देखेंगे कि भाई ये खिड़की तो नहीं खुली है, ठीक है। अगर खिड़की बंद है तो दरवाजे के नीचे जो वहां पे छोटा सा वो दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं, लाइन रहते हैं, जैसे खाली जगह रहते हैं, तो वहां से तो कोई नहीं आ सकता, तो उसमें से ये होता है ये, तो वो क्या करते हैं फिर, अगर उस दरवाजे के नीचे से वहां से जगह किसी को आने के लिए, तो वो तो जैसे हम लोग उसके नीचे या तो कार्ड लगाएंगे या तो फिर उसे किसी से सेफ्टी करेंगे, जस्ट लाइक दैट हैकर्स का भी ये यूज होता है कि वो उसको वहां पे कार्ड लगा देंगे। अब मतलब ये नहीं है कि वो कार्ड लगा देंगे। आपको ये समझ में आ गया एक सिंपल वे में। अब इसकी बात आ जाती है पेनेटेस्टिंग। तो पेनेटेस्टिंग एक एथिकल हैकर का ही होता है, वो पेनेटेस्टिंग को ढूंढते हैं, पेन को टेस्ट करते हैं, ऐसे समझ लो आप। तो वो टेस्ट करते हैं कि दरवाजे के अंदर से ऊपर से कोई नहीं आ सकता, फिर इस खिड़की से कोई नहीं आ सकता, खिड़की लॉक है, फिर दरवाजे के नीचे से कोई नहीं आ सकता, तो आ सकता है क्योंकि चींटियां तो आई जाएंगी एंड तो वो आ जाएंगी, तो उसको वहां से वो लॉक करेगा फिर कि वहां से कोई ना आ सके। तो ये काम जो ये वर्क है जो ये ढूंढने वाला सर्चिंग वाला, उसे कहते हैं मतलब हैकिंग की दुनिया में उसे कहते हैं पेन टेस्टिंग, पेनेटेस्टिंग, ओके। एंड देन ये पेनेटेस्टिंग किस वर्क से होता है, अब जैसे कि एक मैं मोबाइल इंजीनियर हूं, मतलब मुझे मोबाइल रिपेयरिंग आती है, तो मैं अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ये फोन उठाया एंड देन इधर उधर करके बस बना दिया, ऐसे तो नहीं है, हवा में तो बनेगा। उसके लिए एक इक्विपमेंट चाहिए, जो कि जैसे आपके टूल किट्स चाहिए, फिर आपका SMD मशीन चाहिए, DC मशीन चाहिए, सोल्डिंग आयरन चाहिए, बहुत सारी प्रकार की आती हैं। अगर आपको डिस्प्ले काटना है तो उसके लिए वायर चाहिए, फिर उसको गर्म करने के लिए वो अलग चाहिए। तो इस प्रकार से कई सारे इक्विपमेंट आते हैं जिस प्रकार से आपको वो मोबाइल एक बनेगी, ठीक है। और खाने बनाने के लिए कुकर चाहिए, फिर आपको ऑयल चाहिए एंड देन गैस चाहिए, तो ये सब इक्विपमेंट चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर हम हैकिंग करेंगे तो हैकिंग किस चीज पे करेंगे, उसकी भी एक इक्विपमेंट चाहिए। तो एक लैपटॉप चाहिए, तो वो तो है सभी पा सकते हैं, बट लैपटॉप के अंदर क्या कर सकते हैं, उसमें तो लोग गेम भी खेल सकते हैं, उसके अंदर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर आप सी लैंग्वेज, C++, कॉटलैंड, पाइथन, ये सब आप लोग कर सकते हो। तो इन सबको करने के लिए एक एप्लीकेशन होता है, C++, जावा, इन सब आपको VS कोड पे भी कर सकते हो, इंटेलिजेंट आइडिया पे भी कर सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशन बनाने हैं तो एंड्रॉइड स्टूडियो होता है, तो ये सबका एक एप्लीकेशन होता है। तो मेटास्प्लॉइट वो एक प्रकार का एक एप्लीकेशन है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। जैसे एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन है उसका अपना यूज है, वैसे मेटास्प्लॉइट एक एप्लीकेशन है उसका अपना यूज है। हम कैमरा ओपन करते हैं, जो कैमरा है ये भी एक ऐप है, तो उसके से ये फंक्शन जो ये कैमरा ओपन होता है, तो वो भी एक एप्लीकेशन है, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये मेटास्प्लॉइट कोई हैकिंग का टर्म्स नहीं है, वो एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग हैकिंग कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट अब काफी बेटर हो गया है, एंड पहले के जमाने में उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, मतलब भाई नया नया बना था तो उसमें काफी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज थी, वो ठीक से वर्क नहीं करता था, बट अब वेल एंड वर्किंग है। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप उसके से इंस्टॉल करके पेनेटेस्टिंग सीख सकते हैं, बट पेनेटेस्टिंग ये पार्ट है एक वाइट हैट हैकर का, ठीक है। अब आप लोग ऐसे समझो, मेटास्प्लॉइट
इसके बिना आप पेन टेस्टिंग नहीं कर सकते, और पेन टेस्टिंग जो है वो है पार्ट ऑफ वाइल्ड कैट हैकर। तो ये तीनों की कड़ियां मिली हुई हैं। सो आई होप आप लोग को ये जानकारी तो क्लियर हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर। सो तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू।